यहाँ पर फर्ज करो, अगर फर्ज करो हम कहते हैं, अभी हम लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं, जो स्टेट वो अपना लैपटॉप बिना छेड़ो, अगर तुम्हारे लैपटॉप मेरे हाथ में, मैं हैकर बन गया। अब फर्ज करो अगर हम लोग स्टेट को, अतीक अपने लैपटॉप को बिना छेड़ो क्यों मेरे हाथ में, ठीक है स्क्रीन मेरे हाथ में, स्टेट इज इक्वल टू अगर जीरो, फर्ज करो हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि अभी स्टेट जीरो है। अब तुम ये देखो, सबसे पहले वो इधर आएगा लाइन नंबर 13 पे, वो चेक करेगा कि स्टेट वन है नहीं है, अच्छा जी आगे चला जाएगा, यहाँ आएगा चेक करेगा स्टेट जीरो है, जीरो है उसने लाइट ऑन कर दी, फिर आगे जाएगा कहेगा स्टेट वन है नहीं जी, अच्छा इसको मिस कराओ, यहाँ जाएगा अच्छा स्टेट जीरो है दो कर दे। तो तुम देख रहे हो कोई भी स्टेट आई तो इनमें से दो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो करता रहेगा, मतलब आपस में। अब इस देखो सिर्फ जीरो होने पे, सिर्फ जीरो के होने पे उसने क्या किया है, उसने ये कंडीशन भी ट्रू कर दी है, ये लाइन नंबर 17 वाली और ये लाइन नंबर 25 वाली कंडीशन ट्रू कर दी, तो अब वो हाई रहेगा या लो रहेगा, ये तो दोनों कंडीशंस के अंदर चला जाएगा, देन की स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। इस कोड में थोड़ा सा ये रोला है, ठीक है ट्राई अच्छी थी। अब हम लोग अपने रिजल्ट पे आते हैं, इसको बंद करो और हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। ओके भाई, सबसे पहले आप लोग ये चीज को, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि इसमें ना हमें स्टेट्स के दो दो स्टेट्स की वेरिएबल चाहिए, एक हमें चाहिए लास्ट स्टेट का और एक हमें सिंपल स्टेट का चाहिए। अब क्यों चाहिए, ये क्या काम करेगा, ये मैं आपको अब आगे एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट सर। अब आप लोग इधर आ जाओ, अभी बस हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया लास्ट स्टेट। अब इससे आपको समझ लग जाएगी कि आखिरी स्टेट इस चीज की क्या थी, इस नाइप टाइप का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अच्छा अब हम लोग आते हैं, आप लोग कह लो इस पे आ जाते हैं, और हम यहाँ आगे कहते हैं हमने एक स्टेट ले ली जो हमने इनपुट ले लिया बटन से, उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि इफ बटन स्टेट, और हम लोग एक और काम करते हैं, इन दोनों को, ये जो दोनों स्टेट्स हैं इनको अभी हम लोग इक्वल टू लो कर, दोनों को लो कर, लो का मतलब क्या है, इन दोनों को हम किसके, इन दोनों को हम ऑफ कर, तो अभी हमारी दोनों स्टेट वाला भी ऑप्शन ऑफ है और लास्ट स्टेट वाला भी, मतलब दोनों चीजें ऑफ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी जीरो जीरो चल रहा है सारा। अच्छा आ गया, अब हम लोग आ जाते हैं अपने लूप में जहां पर हमने कंडीशन बनाई, कमिंग देयर। अच्छा अब आप लोग सबसे पहले जब यहाँ पर बटन लोगे, ठीक है, तो आप लोग ये देखोगे कि आप लोगों ने कंडीशन लगानी है कि आपकी आखिरी स्टेट और आपकी करंट स्टेट आपस में मैच कर रही है या नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप फर्ज करो, मैं कहता हूँ मैं अगर ये कंडीशन देखूँ, लास्ट स्टेट कंपैरिजन टू दिस, तो बता सकते हैं कि इसमें मैंने क्या, इस ये कंडीशन अभी करंट, पहले अगर मैं अभी रन करूं तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स होगी सर, क्योंकि वो लो है। नहीं पर फिर आप ये देखो कि दोनों, देखो मैंने टोकन दो को आपस में कंपैरिजन कराया, लास्ट स्टेट वाले वेरिएबल को और स्टेट के वेरिएबल, तो दोनों की क्या वैल्यू है, दो लो यहाँ पर भी जी लो सर, है और यहाँ दोनों पर भी लो लो है, है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी सर।
कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों लो हैं, दोनों जीरो जीरो हैं, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी कि मैंने उसे यस बोल रहा हूँ कि सर जी, समझ आ गई हो। अच्छा। अब हम इस पे हम आ जाते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपका वो सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेगा कि जो आपकी आखिरी स्टेट थी और जो आपकी अब करंट स्टेट है वो आपस में क्या है। अच्छा, ये कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, ये कंडीशन हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हमारी लास्ट स्टेट और स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट, जो उस टाइम पे हमारी स्टेट है और जो हमारी आखिरी स्टेट थी, वो जब तक आपस में डिफरेंट ना हो, हमारा कोड देन की स्टेटमेंट में ना जाए। अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, अगर आप लोग अब इसको जरा सा एक कोड थोड़ा सा हम अंदर देखें तो आप लोगों को उससे समझ आएगी। अच्छा, फर्ज करो पहले इसको एक्सप्लेन। अभी मेरे दोनों स्टेट क्या हैं, लो है। यहाँ पर मैं किसके, यहाँ पर जो बटन को मैंने किसके इक्वल रख दिया, स्टेट की, ठीक हो गया। अब आप बटन को प्रेस करते हो, ऑन करते हो, तो बटन को प्रेस करते हो तो स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो से क्या हो जाएगी, ओ भाई अगर मैं बटन को प्रेस करता हूं तो स्टेट की वैल्यू अभी लो है और उसके बाद क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हाई हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कंडीशन लगाई है, क्या वो ट्रू होगी या फॉल्स हो जाएगी। ट्रू नहीं, अभी दोबारा जब हम प्रेस करेंगे तो एक जो है हाई हो जाएगा, दूसरा लो, तो कंडीशन फॉल्स होगी फिर। अच्छा, अब अगर ये हमने देखे, अब हमारी क्या कहते हैं, जब हमने बटन दबाया तो हमारी लास्ट स्टेट मतलब जो आखिरी स्टेट थी वो भी चेंज होनी चाहिए, कि जाहिर है जो आखिरी स्टेट में बटन था वो किस स्टेट में था, हाई भी हो गया, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर लास्ट स्टेट और जो हमारी करंट स्टेट है, काम करते हैं इसको हम करंट लिख लेते हैं ताकि हमारा सर आसानी हो जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी लास्ट स्टेट और करंट स्टेट जब आपस में सेम हो, हाँ अब ये देखो सेम है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जिस तरह ये वाली दो है ना, कि ये दो सॉरी ये जो दो इज इक्वल टू मैंने डाले हैं, इनका मतलब होता है कि क्या दोनों एक दूसरे के सेम हैं। इसका ऑपोजिट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आप लोग ये चेक ये लिखना चाहो ना कंडीशन में कि ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है, तो आप ये लिखोगे, ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क होता है ना, ये लिखोगे। अब इस लाइन का अब मतलब बन रहा है कि क्या लास्ट स्टेट और करंट स्टेट आपस में सिमिलर नहीं है। अब इस लाइन का ये मतलब है, पहले हम क्या चेक कर रहे थे कि क्या वो आपस में सिमिलर है या नहीं, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या वो आपस में सिमिलर नहीं है, तो तब बताए। ये बात समझ लगी ना, मुझे लग रहा है मैंने बोलते बोलते कुछ कंफ्यूज ना करती हो। आप लोगों को इस कंडीशन का मतलब समझ आ गया, ये जो मैंने छोटी सी चीज यहाँ पर चेंज की है, कि इसका चेंज करने का क्या क्यों ये मैंने चेंज यस किया। सर, समझ आ यस गई। यस सर, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन दे दी कि अगर आखिरी स्टेट, लास्ट स्टेट और करंट स्टेट एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब वो जनरल स्टेट में जाएगा, तब कंडीशन ट्रू है। अच्छा, अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप लोग अगर एक चीज सोचो कि जैसी कंडीशन ट्रू हुई, अभी हम इस चीज को हटा देंगे, तो हमारी लास्ट स्टेट भी चेंज होनी चाहिए कि आखिरी स्टेट हमारी, अब फर्ज करो एक चीज जीरो है, आप कह रहे हो कि आखिरी दफा जब मैंने चेक की थी तो उसकी वैल्यू जीरो थी। ये फर्ज करो घर में आप क्या चीज है, मैं पीछे वाली थोड़ी सी, हाँ पानी की बोतल है ये, असल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे वो पानी को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनकी एक ट्रिक यूज करता हूँ। पानी की बोतल है, अभी वो आपके पास एक बोतल पड़ी है, आपको दो बातें पता है, आपको ये पता है कि अभी फिलहाल
जब ये ऊपर इस लाइन का मतलब है कि वो पानी की बोतल आखिरी दफा जब आपने चेक की थी तब भी खाली थी, और अभी भी आपको पता है कि वो, अभी आपको ये श्योरिटी नहीं है कि वो खाली है, ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि किसी ने पानी की बोतल गोली भर के रख दी है या नहीं रख दी, लेकिन आपको ये पता है कि आखिरी दफा जब मैंने चेक की थी वो पानी की बोतल खाली थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेफ साइड पे ये अज्यूम कर लिया कि जब आखिरी दफा चेक किया था तब भी वो खाली थी, तो अभी भी वो खाली है। तो इन दोनों चीजों का मतलब है कि पानी, अभी अगर रियल लाइफ एग्जांपल लो कि पानी की बोतल खाली थी। अब इस लाइन पे आ जाओ, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने जी अपने छोटे भाई को कह दिया कि जाके चेक करके आओ कि क्या वो पानी की बोतल भरी हुई है या नहीं भरी हुई। अब वो चेक करने गया, ठीक है, तो अब वो जब चेक करने गया तो उसने आके हमें क्या बताना है, उसने आके या ये बताना है कि अब वही वो भरी हुई है, या वो ये बोलेगा वो नहीं भरी हुई। अच्छा, अब फर्ज करो कि अगर वो नहीं भरी हुई तो हमारी जो हमने कहा था कि आखिरी दफा वो भरी हुई थी या आखिरी दफा वो नहीं भरी हुई थी, क्या वो वाली स्टेट चेंज हुई जो हमारी लास्ट लास्ट स्टेट थी? अगर वो अभी भी नहीं भरी हुई, बोतल आके बॉटल नहीं भरी हुई, तो क्या हमें अपनी आखिरी स्टेट चेंज करने की जरूरत है? कि अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि यार पानी की बोतल भरी हुई थी तो आप क्या कहोगे, नहीं भरी हुई थी, ठीक है। अगर फर्ज करो आपका भाई आपको आगे कह देता है कि पानी की बोतल भरी हुई थी, जो कंडीशन हमने याद हुई है कि लास्ट स्टेट आखिरी दफा मैंने चेक की थी पानी की बोतल नहीं भरी हुई थी, अब पानी की बोतल भर गई है, तो अब आपको अपनी कंडीशन, अपनी स्टेटमेंट भी चेंज करनी है कि आखिरी दफा जब चेक की थी पानी की बोतल भरी हुई है। तो हम यहाँ पर इसी तरह एक कंडीशन चेंज कर देंगे कि लास्ट स्टेट इज इक्वल टू, लास्ट स्टेट इज इक्वल टू करंट स्टेट। ये भी हमने करंट स्टेट करना है क्योंकि हमने नाम ऊपर चेंज कर दिया। ये लाइन क्या सबको समझ आ गई या नहीं, ये जो मैंने लाइन नंबर 17 लिखी है, क्या इस बात की समझ आ गई कि हमने ये लाइन क्यों लिखी है? नो सर, नो सर। ओके, रुपये दोबारा किसी तरीके से सर ये मैं वो ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी आराम से तरीके के। अच्छा चलो रुको, मैं क्या आगे जरा लिख रहा हूँ तो ये इसको जरा बोल दीजिए, चलते हैं। अब मैं कमेंट्स भी लिख रहा हूँ। फर्ज करें अब आपकी लास्ट स्टेट डी 0 है, ठीक है, और आपकी जो करंट स्टेट है वो भी। अब ये जो चीज है, ये वाली जो करंट स्टेट है आपकी, ये रिपीटेडली एक इनपुट ले रही है किससे, एक बंदे से या एक कंप्यूटर से, कि बटन ऑन होगा या नहीं होगा। तो अगर बटन ऑन होगा तो करंट स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, ऐसा ही है ना, करंट स्टेट की वैल्यू चेंज होगी। जब अब यहां पर देखो ये इस लाइन का क्या मतलब है कि डिजिटल रीड किस वाले वैल्यू, किस चीज में अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, करंट स्टेट में। अब लास्ट टाइम जब आप लोगों ने ऊपर यहां पर आपने करंट स्टेट को क्या वैल्यू दी हुई है, 0 दी हुई है, मतलब लो दी हुई है, और अब वो बार बार चेक कर रहे हैं कि करंट स्टेट की वैल्यू क्या है, जब तक आप बटन नहीं दबाओगे वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर आप बटन दबाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी करंट स्टेट की, 1। वन हो जाएगी। ऑब्वियसली अब आप अगली लाइन, अब फर्ज करो आपने, अब यहां पर आपने कंडीशन लगा दी कि लास्ट स्टेट मतलब ये वाली और ये वाली आपस में अगर सेम नहीं है तो फिर एक काम करना है। तो अभी अगर बटन हमने ऑन प्रेस नहीं किया, ठीक है, तो करंट स्टेट की वैल्यू क्या बनेगी, 0 ही रहेगी और लास्ट स्टेट की भी 0 रहेगी। तो क्या ये आपस में ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स रहेगी, ये वाली कंडीशन मुझे बताओ। इस अगर मैं ये आप लोगों को क्राइटेरिया दूं कि लास्ट स्टेट और करंट स्टेट 0 है
तो क्या मुझे देन की स्टेटमेंट में मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यहां पर देख के बताओ। सर इस केस में तो इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो जो कंडीशन है वो फॉल्स है, ठीक है, इस वाली क्योंकि केस, लास्ट स्टेट हाँ और डिजर्ट इक्वल्स टू करंट स्टेट। तो दोनों चीजें सेम है। हमने ये क्या चेक करना था, हमने चेक करना था कि क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल ये क्या है, ये फॉल्स हो रहा है, तो कि अभी वो देन की स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। अब फर्ज करो मैं आपको कहता हूं, अब जैसा मैंने आपको बोला है पानी की एक बोतल है, जो अब ये यदि आप समझ लो ये आपको आखिरी दफा किसी ने कहा था कि फ्रिज में एक पानी की बोतल पड़ी है जो कि नहीं भरी हुई, ठीक है, जीरो का मतलब है नहीं भरी हुई, और आप कॉन्टिन्यूसली एक बंदे से पूछते, बल्कि ऐसे कर लो आप लोग बल्ब लगा रहे हो, अच्छा ठीक है, और एक बंदा स्विच पे खड़ा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि एक बल्ब आखिरी दफा नहीं चला था, मतलब आप लोगों के रूम में या हॉस्टल रूम्स हैं, आप लोगों को पता है वहां के कमरे का बल्ब खराब हो गया, और आपका जो रूममेट है वो आपके हॉस्टल रूम है, और आप घर चले गए। अब आप अपने रूम में, अब आपको पता है कि आखिरी दफा वो बल्ब खराब था, तो और आपको टेंशन भी लगी हुई है कि क्या वो बल्ब सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, तो आप अपने रूममेट से बार बार पूछते रहोगे कि क्या वो बल्ब ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, करते रहोगे ना। अगर यहाँ आप यहाँ तक आपको समझ लग गई कि यहाँ तक इस लाइन का मतलब ये है कि आप अपने बटन नाम का एक रूममेट है जिससे आप बार बार पूछ रहे हो कि यार बल्ब ठीक हुआ नहीं हुआ, बल्ब ठीक हुआ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आप ये तो आप उससे पूछ रहे हो ना, ये तो आप करंट सिचुएशन में उससे पूछ रहे हो, आपको तो ये पता है ना कि अगर उसने, जब तक उसने कहना है कि नहीं सही हुआ, तो आपको ये, आप लोग ये कह सकते हो अपने, मतलब फर्ज पे आपने पापा को बताया कि बल्ब खराब हो गए, और पापा आके चेक कर देखेंगे, अच्छा यार बल्ब अभी भी खराब है, तो आखिरी दफा आप उन्हें ये तो नहीं बताओगे कि अभी करंटली क्या चल रहा है, आप उन्हें बताओगे कि आखिरी दफा जब पूछा था तो बल्ब खराब था, यही कहोगे ना। अब जाहिर है आप हर वक्त तो नहीं पूछ सकते, आप कौन सा कंप्यूटर हो, आप हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद पूछ रहे हो, तो अबू आपसे आके पूछते हैं बेटा बल्ब ठीक हुआ, तो आप क्या कहोगे, भाई आखिरी दफा जब पूछा था बल्ब तब खराब था, यही कहोगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि पता नहीं अभी इनपुट्स आ रही हैं अभी तक तो खराब था, इतना तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आखिरी दफा जो कंडीशन, जो स्टेट थी, एक स्टेट थी वो जीरो थी, अब जब वो स्टेट एक दूसरे के, अब जब तक वो स्टेट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आएगी, ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आएगी, लास्ट स्टेट नहीं चेंज होगी। तो अगर अब आप लोग देखो, अब फर्ज करो वो बल्ब आप पूछ रहे हो, आपने फिर 10 मिनट बाद पूछा अपने दोस्त से कि यार बटन बल्ब सही हुआ है, तो उसने कह दिया हाँ हो गया। अब मुझे बात तो क्या आपकी लास्ट स्टेट जो आपने अपने फादर को इससे पहले बताया था कि आखिरी दफा जब पूछा था तब खराब था, तो फादर को भी पता है खराब था, और अब आपको पता चल गया कि सही हो गया, तो क्या अब आपकी आपस में फादर और आपकी नॉलेज में ऑपोजिट हो गया ना, अब आपको पता है कि सही है और फादर को पता है नहीं सही, ऐसा ही है। तो अब आप जाहिर सी बात है, अब आप पापा को जाके बताओगे ना कि यार अब आखिरी दफा जब पूछा था तो वो चल रहा था, करोगे ना ये चीज, तो यही काम आप यहाँ पर कर रहे हो कि आप एक चीज को बता रहे हो कि आखिरी दफा क्या वैल्यू थी, और एक चीज से आप कंटिन्यूअसली पूछ रहे हो कि अभी क्या वैल्यू है, तो जैसी वो वैल्यू आपस में चेंज होती है आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और आप आखिरी जो वैल्यू थी जो आपकी आपके फादर को आपने आखिरी दफा बताई थी कि आखिरी दफा क्या हो रहा था, वो वाली वैल्यू भी आप चेंज करते हो। जैसे अभी आपको मैंने कहा ना कि आप अगर बल्ब ठीक हो गया तो आपके फादर को आप जाके बताओगे कि यार आखिरी दफा जब पूछा था तो बल्ब ठीक था, तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि अगर करंट स्टेट में चेंज आया है तो हम उन्हें ये बता, हम लोग लास्ट स्टेट को भी जाके चेंज करते हैं कि भाई करंट स्टेट अगर वन हुई है तो लास्ट स्टेट को भी हम कह देते कि आखिरी दफा जो हम चेक कर रहे थे वो आखिरी दफा जब हमने चेक की थी तो स्टेट क्या थी, वन। तो यहाँ पर अब यही काम है कि जैसे ही बटन प्रेस हुआ स्टेट क्या हुई, वन हो गई, तो अब
लास्ट स्टेट 0 है, अभी स्टेट 1 है, तो क्या कंडीशन 2 हुई या नहीं? यस सर, गुड। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने क्या कहा कि अब लास्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर करंट स्टेट 1 है तो आप अब इस लाइन, अगर मैं कहता हूं यहां पर करंट स्टेट 1 है, यहां पर आके करंट स्टेट की वैल्यू, अब यहां पर लास्ट स्टेट अभी 0 है, करंट स्टेट 1 होगा। अब ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी या नहीं होगी? तो होगी। यस सर, ट्रू होगी। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है कि लास्ट स्टेट इज इक्वल टू करंट स्टेट, तो यहां पर अब कर लास्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? स्टेट 1 1 होनी चाहिए। स्टेट की वैल्यू तो ऑब्वियसली अभी फिलहाल 1 ही रहेगी। 1 ही है, यस सर। इतना तो गर्मी तो अच्छा, चलो अब हम यहाँ तक तो आ गए कि हमने यहाँ तक तो चीज कर ली कि अब हमारा लास्ट स्टेट और करंट स्टेट का खाता आपस में सही होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि अब मैं उससे पूछता हूँ, अगर अब आप लोगों ने, सर अमार ने आप लोगों को नेस्टेड इफ का बताया होगा, नेस्टेड इफ का पता है आप लोगों का? आप लोगों को पता है नेस्टेड इफ क्या होता है? यस सर, नेस्टेड इफ क्या होता जिसमें हम बार बार एफ एल्स वाली कंडीशंस लगाते हैं। है? जब हम लोग एक इफ के अंदर दोबारा इफ लगाएंगे फिर उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। कि एक हमने लगाई कंडीशन, देन लिखा, और उस देन के अंदर हमने दोबारा एक इफ कंडीशन लगा, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। कि अब आप लोग समझ लो कि मैं आप लोग ये चीज इसका ले लो कि आपके पास, आपने अपने रूम की रूम तक जाना है और आप बाहर गेट के बाहर खड़े हो, तो आपके पास, तो आपसे मैं सबसे पहला क्या सवाल क्या करूंगा? मेन गेट की चाबी है? आप कहोगे हाँ है। भाई घर के अंदर वाले मेन डोर की चाबी है? ये देन के बाद का स्टेटमेंट आ गया ना, उसके बाद मैंने फिर आपसे पूछा अंदर वाले डोर की चाबी है, आप लोगों ने कहा हाँ है। फिर से मैंने आपसे पूछा, अब वो चीज ट्रू होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि कमरे की चाबी है? अगर आप कह दोगे घर के मेन डोर की चाबी नहीं है मेरे पास, तो फिर फायदा, फिर अगला सवाल पूछने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो उसी के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। तो ये चीज नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हुई है और उसके बाद आपको एक और कंडीशन चाहिए, तो उसको, इसलिए आप नेस्टेड इफ यूज करते हो। और उसमें क्या होता है कि आप एक कंडीशन लिखोगे, अब जिस तरह मैं लिखूं कि इफ आप सारे 50 से ऊपर नंबर लोगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर मैं लिख दू अगर, हाँ अब मैं उसके बाद लिख दू, और फिर अगर आप लोग क्लास में टॉप स्कोर करो तो आप लोगों को 2 कोर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है अब आप लोग क्या बिना कोर्स पास किए टॉप स्कोर कर सकते हो? तो ये चीज होगी नेस्टेड इफ। एक कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद अगर आप दोबारा एक कंडीशन चेक करते हो तो आप क्या करते हो? नेस्टेड इफ यूज करते हो। अब नेस्टेड इफ का मतलब है कि मैं देन के अंदर दोबारा एक इफ कंडीशन लगा। अब मेरी बारी आती है एलईडी को ऑन ऑफ करने। अब मैंने ये तो देख लिया लास्ट स्टेट मेरी क्या है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि अब मैं कहता हूं, अब मुझे बात है कि एलईडी को ऑन करने की हम वो बेसिक कोड लिखेंगे कि इफ करंट स्टेट इज इक्वल टू आई, या 1 लिख दो, जो मर्जी लिखना है लिख दो, ठीक है। तो एलईडी क्या हो जाएगी? डिजिटल डॉट हाँ, यहाँ पर अब आप लोगों को मैं और चीज सिखाऊंगा जिसको कहते हैं वन लाइनर्स।
वन लाइन इज बेसिकली जो आप इफ देन एल्स की कंडीशन लगाते हो ना इतनी बड़ी बड़ी, उसको हम लोग ना एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसको लिखने का क्या तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि हम लोग अभी फोर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एलईडी स्टेट नाम। एलईडी की क्या इस वक्त एलईडी ऑन है या ऑफ है वो ये चीज बताएगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, करंट स्टेट, लास्ट स्टेट। अब हम लोग कह रहे हैं एलईडी की स्टेट हम चेक करेंगे कि क्या एलईडी ऑन है या एलईडी ऑफ। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया कि अगर एलईडी आए है, करंट स्टेट आए है, ठीक है, मतलब करंट, अब इसका क्या मतलब है, करंट स्टेट हाई होने का क्या मतलब है, बटन ऑन है, बटन को दबा के रखा हुआ है, या बटन ऑफ है। बटन को दबा के रखा है। अच्छा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर कंटिन्यूस इनपुट्स किस में ले रहे हो, करंट स्टेट में ले रहे हो। तो ये कंडीशन क्या चेक करेगी कि बटन अगर दबाया हुआ है तो तब वो देन के अंदर जाएगा, ये वाला चेक करेगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर एक वन लाइनर लिखेंगे, ये वाला, ये चीज भी आप लोग अपने पास नोट कर लो, ये नई चीज है जो आप लोग सीखोगे कि अगर हम लोग लिखेंगे एलईडी स्टेट, बेसिकली अब हम चेक कर रहे हैं कि एलईडी ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं एलईडी स्टेट इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहां से आ गई, ये तो पहले आप लोगों के इसका मतलब है कि इसके अंदर वैल्यू आई, यहां से आपका वन लाइनर शुरू होता है, यहां से आप लिखना शुरू करोगे, यहां से आप लिखना शुरू करोगे। आप लोग सिंपल ब्रैकेट डालोगे, ठीक है, इसमें उसमें आप लिखोगे कि एलईडी, जितना भी ऊपर लिखोगे सिंपल ब्रैकेट। अब सबसे पहले आप कंडीशन लिखोगे एलईडी स्टेट, अगर आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है हाई, यहाँ पर हाई लिखा हुआ है ना, तो आप लोग लिखोगे ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों की आ गई कंडीशन कि अगर एलईडी स्टेट, ये सॉरी मैचो, एलईडी स्टेट लो है तो फिर आप आगे डालोगे, यहां पर आप लोग डालोगे एक ये वाला साइन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालोगे, उसके बाद आप लिखोगे हाय। तो मैं आप लोग बताता हूँ इसका मतलब क्या है, पहले मैं जरा देख लूँ ताकि मैं जरा पूरी। अब इस लाइन का मतलब समझ लो जरा सारे, कि एलईडी की जो स्टेट है, ठीक है, अगर वो लो है, एलईडी की स्टेट मतलब एलईडी की स्टेट का मतलब है कि एलईडी ऑन है या ऑफ है, तो मैं कह रहा हूं कि एलईडी की जो स्टेट है अगर वो लो है, मतलब एलईडी अगर ऑफ है, तो उसको पहली वाली अगर आप यहाँ पर हाई लिखोगे तो इसका मतलब होगा अगर एलईडी की स्टेट ऑफ है तो उसे ऑन कर दो, अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर दो। ये बात समझ लगी, इस लाइन की समझ लगी कि ये क्या कह रहे हैं। दोबारा आवाज नहीं आई आपकी, सर, ये पॉइंट जरा दोबारा क्लियर कर दे। देखो इस लाइन में, अब ये ना जो भी इस चीज का जो भी आउटकम होगा ना, ये इस लाइन का, वो इस चीज में स्टोर होगा, तो मतलब आखिर में वन या जीरो, इसमें या हाई या लो इसमें। अब सबसे पहले आप इसको समझो, इस लाइन का मतलब है कि अगर एलईडी की स्टेट लो है, मतलब जिसका क्या मतलब है कि लाइट अभी ऑफ है, तो आप एलईडी की स्टेट को हाई कर दो, मतलब उल्टा कर दो, और अगर उसकी स्टेट ये नहीं है, मतलब लो नहीं है तो क्या होगा, हाई ही होगी ना, और अगर एलईडी की स्टेट ये नहीं है, हाई है, तो आप उसको लो कर, समझ आई। यस सर।
एलईडी की स्टेट अगर लो है तो आप उसको हाई कर दो, और लो नहीं होगी तो क्या होगी, हाई होगी, मतलब जीरो नहीं होगी तो क्या होगी, वन ही होगी ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एलईडी की स्टेट, मतलब एलईडी अगर लास्ट एलईडी की जो स्टेट है वो जीरो है, वो ऑफ है, तो उसको ऑन कर दो, लेकिन अगर वो ऑन है तो उसको ऑफ कर। ये बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है। तो आप यहाँ पर लिखोगे अपनी कंडीशन कि क्या कंडीशन देना चाह रहे हो, और फिर ऑब्वियसली अगर आप यहाँ लो लिखोगे तो आप पहले हाई लिखोगे, या अगर आप और फिर लो लिखोगे, और अगर आप फर्ज करो यहाँ पर हाई लिख रहे हो तो आप पहले लो लिखोगे और फिर हाई लिखोगे, कि हर चीज का ऑपोजिट हो। अब अगर मुझे बात हो कि एलईडी की, मैं कहता हूं कि यहां पर एलईडी की स्टेट क्या है, एलईडी अब जब प्रोग्राम शुरू होगा तो एलईडी क्या होगा, ऑन होगी या ऑफ होगी। सर पहले ऑन होगी ऑफ होगी। मतलब जब मैं उसको ऑन शुरू करूंगा तो वो क्या होगी, ऑन होगी या ऑफ होगी, मतलब आप कमरे में आओगे तो लाइट ऑन होती है ऑफ होती है। ऑफ होती है, बटन प्रेस करने से ऑन होती है। अभी फिलहाल लाइट ऑफ है, ऑब्वियसली प्रोग्राम के शुरू में लाइट ऑफ है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लाइट ऑफ है तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू जाएगी इस जगह पे। जीरो यहाँ अभी मैंने आपको वैसे बताया कि वो पीछे से एक वैल्यू आ रही है जीरो, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एलईडी जीरो हुई, ऑन हुई तो सॉरी ऑफ हुई, तो उसको क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे, तो अगर वो ऑन कर देते हैं तो एलईडी की स्टेट क्या हो जाएगी, वन। तो मतलब आपके देखो कि अभी फिलहाल आप, मैं अगर फर्ज करो आपको कहता हूँ तो यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं, इसको कह देते हैं इज इक्वल टू, अब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है अभी एलईडी स्टेट की, लो ये कंडीशन ट्रू हुई, यस सर। तो क्या ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो लो से हाई हो जाएगी ना। तो जी यहाँ पर एलईडी की स्टेट भी हाई हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद इस लाइन में एलईडी की अगली जो लाइन आएगी, अब इस लाइन में एलईडी की स्टेट क्या हो जाएगी, वन जीरो होगी, वन होगी या जीरो। वन होगी। और अगर फर्ज करो मैं कहता कि यहाँ पर वन है तो फिर क्या होता नीचे, फिर जीरो होगी। जीरो तो मतलब जो भी स्टेट ऊपर से आएगी, अगर एलईडी ऑन है तो वो उसको ऑफ कर देगा, ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा, ठीक है, इसका ये मकसद होता है, तो हम इसको भी कर देते हैं। अच्छा अब अगर, अब हमने ये भी कर दिया, हमने एलईडी की स्टेट भी सेट कर दी, ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सिंपल यहाँ पर लिख दोगे कि डिजिटल राइट यहाँ पर आप लिख दोगे एलईडी, जिस जो आपने ऊपर यहाँ लिखी है एलईडी, और आगे आप लोग हाई लो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एलईडी एलईडी स्टेट। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो भी एलईडी की स्टेट होगी वो उसके हिसाब से उसको डिजिटल राइट कर देगा, मतलब अगर एलईडी की स्टेट हम यहाँ पर कह रहे हैं जीरो, अभी हमने बोल रहे हैं कि वन हो जाएगी अगर फर्ज करो, तो वो क्या कर देगा, एलईडी को ऑन कर देगा, यहाँ से वो क्या वैल्यू भेज देगा, वन भेज देगा, और अगर उसकी वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ वो ऑटोमेटिकली जीरो भेज देगा। अब आई नो ये कोड फिलहाल बड़ा मुश्किल था, इसमें आप लोगों को बहुत सी ऐसी लॉजिक्स थी जो आप लोगों को थोड़ी बहुत अभी भी अंडरस्टैंड नहीं आप लोगों ने की होगी, लेकिन मैंने ये कोड अभी आप लोगों को इसलिए कराया ताकि आप ओवर द वीकेंड अगर आप लोग थोड़ा इसको सोचो समझो, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ लग जाए। मैं जानता हूँ अभी भी आप लोगों को चीजें समझ नहीं आई होंगी, बीच में कुछ ना कुछ रह गई होंगी,
कई जगहों पे आपको कंडीशंस की नहीं समझ आई होगी, आज ये कंडीशन क्यों लगी। जब हम लोग ने इंशाल्लाह मंडे को, तो ट्यूसडे को मैं यूनिवर्सिटी प्रॉपरली इंशाल्लाह आ जाऊंगा और मैं सब चीजें लेकर आऊंगा। तो वहां पर जब हम लोग प्रैक्टिकली साथ साथ इस चीज को ऑन करके चेक कर रहे होंगे, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ। पर वो बातों की एक बात कि अगर अब आप लोग ट्राई करो सिलेक्ट बोर्ड, सीरियल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कोर्ट। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। अच्छा ये वाला कोड मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग एक दफा इसको अंडरस्टैंड करना। ये लो डन, कंपाइलिंग हो गया। जी, बोले निम्रा। व्हाट अबाउट रिपोर्ट? रिपोर्ट